नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी दोस्तों, जस्ट अभी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से और आया है, जो कि है पीसीएस 2019 से संबंधित। आप सभी लोग को बता दूं कि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित ये अपडेट है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या आज आयोग की तरफ से ये अपडेट आई हुई है। तो जो भी चैनल पर नया आ रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आयोग की और अन्य भर्ती विभाग की हर एक सच्ची और अच्छी खबर आप सभी लोग को चैनल के माध्यम से दी जाती है। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और शेयर करें, ताकि हमें और भी आसानी हो आप सभी लोग के लिए हर एक सच्ची और अच्छी खबर लाने में। तो चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सम्मिलित राजपुर और अधीनस्थ सेवा परीक्षा सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2019 का अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जा चुका है। निम्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों से कराए जाने हेतु दिनांक 15 व 16 मार्च 2021 निर्धारित किया गया है। आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ रोल नंबर लिखे गए हैं, वो कौन कौन से विभाग के लिए है वो भी मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा भी। उसके बाद जो नीचे अपडेट आई है उसके लिए भी मैं चर्चा करूँगा। देखिए, अकाउंटेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए जो मंडी परिषद के लिए हैं, उनमें तकरीबन 5-10 लोग हैं जिनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया है। और लीगल ऑफिसर पीडब्ल्यूडी के लिए हैं कुछ लोग हैं जिनका रोल नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे आप सभी लोग देख सकते हैं। लीगल ऑफिसर जियो माइनिंग के लिए है, एक लोग के लिए है। और सुगर कैन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर के लिए कुछ लोगों के लिए जो रोल नंबर है यहाँ पे स्क्रीन पे आप सभी लोग देख सकते हैं। और वेटनरी वेलफेयर ऑफिसर के लिए आप सभी लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ रोल नंबर है उनके लिए आया हुआ है। दूसरा कॉलम क्या कहता है कि अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कि होम पेज पर क्लिक हियर फॉर डाउनलोड फॉर्म सेट ऑफ पीसीएस एग्ज़ाम 2019 पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर एंड बेसिक डिटेल जैसे जन्मतिथि, लिंग, निवास श्रेणी इत्यादि सबमिट करके पूर्व में भरे गए ऑनलाइन फॉर्म सेट, आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण प्रपत्र, देशना प्रपत्र एवं अंक तालिका विवरण को मुद्रित करके उसके साथ समस्त शैक्षिक अभिलेख प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों को 2 सेट तैयार कर उस पर फॉर्म सेट के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो की 2 प्रति तथा 3 अवच्छ सादी फोटो अर्थात कुल पायोग परिसर प्रयागराज के गेट नंबर 3 से प्रवेश करके सरस्वती भवन में पहुंचना सुनिश्चित करें। सत्यापन के समय शैक्षिकर्ताओं से संबंधित समस्त अंक तालिकाओं, उपाधि एवं प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां भी अपने साथ अवश्य लाएं। उक्त के अतिरिक्त सत्यापन के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मैं आपको बता दूं, इसमें 2 बताए गए हैं, क और ख। क में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दावे के समर्थन में निर्धारित नवीनतम प्रारूप पर जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र EWS अन्य प्रमाण पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ख में है कि केंद्र अथवा राज्य सरकार में कार्यरत अभ्यर्थी को सेवायोजक द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में उपयुक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में अभ्यर्थियों का सत्यापन किया जाना संभव नहीं होगा, तदनुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आयोग की तरफ से एक ये बड़ी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीसीएस 2019 से संबंधित। बाकी कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आप सभी लोग ऐसे चैनल के माध्यम से दी जाती रहेगी। जो भी चैनल पर हों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की जो घंटी है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपसे नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।